आपको ये दृश्य देखकर लग रहा होगा कि ये कोई स्पाइडरमैन है। इतने गहरे कुएं में आखिर क्यों उतर रहा है? क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है? लेकिन इस व्यक्ति के गहरे कुएं में नीचे उतरने की हकीकत जब आपको पता चलेगी तो हैरान रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आने वाले दिनों में मुझे भी यही करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इतने गहरे कुएं में उतरने वाले इस व्यक्ति और इसकी मजबूरी की। इसे जरूर देखिए, शायद ये दिन आपको भी देखना पड़ सकता है। सैगन उठे तर पानी मले छै बाकुआ में पानी पती गयो है, कादो कादो रियो है, 2 किलोमीटर दूर जाए है लेवा हर गाम में कोई सुविधा है नहीं पानी में। अच्छा, एक ज कुओ है, कुआ में कितने मन को पानी भरे, सरकार हमु देखती है नहीं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने से पहले आपको बता दें कि ये दृश्य गुजरात के दाहोद जिले के फतेहपुर के धाड़ी खुट गाँव के चार फलिए का है। जनप्रभात के संवाददाता नागेश्वर सेन ने अपने कैमरे में एक नहीं बल्कि ऐसी कई तस्वीरों को कैद किया है जिन्हें एक एक कर आज हम आपको दिखाएंगे। इस गांव में 1800 से 2000 लोग रहते हैं। गांव में पुरुष वर्ग 2 जून की रोटी के लिए गांव से बाहर काम धंधे के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ की महिलाएं पूरे परिवार को जिंदा रखने के लिए जिस काम को करती हैं उसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। हमने इनके पूछा, अगर ग्राम पंचायत ने कोई मंजूरी ली रहा होगा और नाना नाना बोर भी मोटर ना काम हो जेवा इनके एजेंसी हो डायरेक्ट इमना मलतिया उन्हें काम आपे छे ने एकज फलिया में काम थाय छे। सुबह होते ही यहाँ के लोगों के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे जाती हैं। सुबह का नाश्ता बाद की बात, पहले महिलाएं व बच्चे कलश व पानी के बर्तनों को सिर पर रखकर गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। भयंकर गर्मी में करीब 3 किलोमीटर का लंबा ये रास्ता तय करने के बाद एक कुएं के पास पहुंचते हैं। एक युवक पेड़ से रस्सा बांधकर अपनी जान को जोखिम में डालकर कुएं में नीचे उतरता है। गर्मी के कारण कुएं में नाम मात्र का पानी बचा है। महिलाएं पानी के लिए अपने बर्तन कुएं में डालती हैं और युवक उस बर्तन में पानी भरकर महिलाओं को रस्सी खींचने के लिए कहता है। तब कहीं एक छोटा सा बर्तन पानी ऊपर आता है। ये पानी भी इतना गंदा है कि पीने के लायक नहीं है, लेकिन लोग इस कुएं के गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। 20 से 25 फुट गहरे इस कुएं में पानी की कमी को देखकर लगता है कि जल्द ही इसमें पानी खत्म हो जाएगा। ऐसे में ये लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी कहां से लाएंगे, इसको सोच सोच कर ग्रामीण बेहाल हैं। गांव में कनेक्शन होने के बावजूद नलों में पानी नहीं आता है। यहाँ की महिलाओं को 2 से 3 किलोमीटर दूसरे गाँव में पानी के लिए जाना पड़ता है। वीडियो में नल के कनेक्शन तो दिखाई दे रहे हैं किंतु इसमें पानी की एक बूंद तक नहीं आती है। पानी नहीं मिले, पानी बीजा गाम में पानी पीयो है, कादे वालों कुआ में पानी नहीं मिले, लोटो लोटो पानी आवे, ने कपड़े ही गाड़े पानी पीवा लो, पानी पिए बीमार पड़ो तो बीजा गाम में पानी पिया तो जेन गयो केम के अमारे कोई पानी पिया ने एटले अमे गमे तेम कहू रहे लोटो पानी भरे पास आवजे ना सता है छोकरो एकलो मिली जाए जे तो कोई सुविधा नहीं मिले, सरकार कई करती नहीं अमारा गाम में, तो कहीं अमार हारो कूवो करी लो, बीजू कशु नहीं सीखते।